गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक संप्रेषण। व्यावसायिक संप्रेषण में आज हम पढ़ने वाले हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब क्या होता है? इंटरव्यू। इंटरव्यू किसे कहते हैं, ये कैसे होता है, इसकी विशेषताएँ क्या है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंटरव्यू क्या होता है। जो इंटरव्यू का शब्द होता है क्या है? साक्षात्कार। ये फ्रेंच भाषा के इंटरव्यू से बना है। किससे बना है? फ्रेंच। फ्रेंच क्या है? फ्रेंच एक भाषा है, लैंग्वेज है, उसके इंटरव्यू शब्द से क्या बना है? हमारा इंटरव्यू बना है, जिसका अर्थ होता है एक दूसरे से, है ना। जब एक व्यक्ति अपने सामने वाले दूसरे व्यक्ति से कुछ क्वेश्चन करना चाहता है या कुछ विचार विमर्श करना चाहता है या उसके बारे में कुछ पूछना चाहता है ना, एक दूसरे के जब विचार आदान आपस में आदान प्रदान होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरव्यू। कि ये इंटरव्यू चलता है। तो सीधी सी बात है कि फ्रेंच भाषा के इंटरव्यू शब्द का मतलब होता है एक दूसरे से। एक दूसरे से मतलब क्या? एक दूसरे से मतलब प्रश्न। मतलब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है या किसी व्यक्ति से अपने क्वेश्चन करना चाहता है तो उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये होता है कि इंटरव्यू होता कैसे है। क्वेश्चन क्या है कि इंटरव्यू हमारा कैसे होता है? तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटरव्यू कैसे होता है। ये जैसे ये हमारा एक रूम है, ये हमारा इंटरव्यू रूम है, है ना। यहाँ ये हमारा डोर के बाद जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ एक टेबल पड़ी होगी और तीन या चार या पांच जितने भी लोग होंगे इंटरव्यू लेने के लिए, तो उतने सारे हमारे पास चेयर पड़े होंगे। तो यहाँ बना देते हैं कि ये हमारी क्या है? चेयर। इधर हमने चेयर बनाई और इसके जस्ट सामने एक चेयर पड़ी हुई है। जब ये सब अपने क्वेश्चन करेंगे तो किससे करेंगे? यहाँ जिससे करेंगे वो बैठे। अब यहाँ से जो भी व्यक्ति इस डोर से, ये क्या है हमारी डोर, इस डोर से जो भी व्यक्ति हमारा अंदर जाता है, जैसे ही ये अंदर जाता है उसका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। वो किस तरीके से चलता है, किस तरीके से उसकी वेशभूषा है, किस तरीके से वो बैठता है, किस तरीके से वो बोल रहा है, उसके क्वेश्चन के आंसर देने का तरीका क्या है, तो जैसे ही वो व्यक्ति इधर जाता है उसका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। अब इंटरव्यू क्या है? ये व्यक्ति है इधर गया, इधर जाके ये बैठता है, तो ये चारों इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं और ये वाला व्यक्ति इन चारों को अपने उनके क्वेश्चनों का आंसर देता है। तो ये हमारे क्वेश्चन प्रोसेस है इंटरव्यू प्रोसेस। जैसे आप कहीं भी कोई भी जैसे गवर्नमेंट संस्था में जाते हैं या आप प्राइवेट किसी कंपनी में जाते हैं और आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू किस तरीके से होगा? आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से आप बोलते हैं, आपकी वेशभूषा क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे आप जा रहे हैं, कैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, कैसे उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो सभी चीज़ें आपके इंटरव्यू में क्या होती हैं? शामिल होती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं, इसको मान लेते हैं हम एक्स, है ना, एक्स, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। जब ये जब ए बी सी डी एक्स से जो भी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो वो उससे अपने प्रश्न का उत्तर पूछते हैं और एक्स अपने प्रश्न का उत्तर देता है। तो इनमें से कोई ये देखता है कि किस तरीके से उत्तर दे रहा है, किस तरीके से ये बात कर रहा है, किस इसका नेचर क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है,
बात करनी थी, हमें बोल दिया, किसी रूल से रिलेटेड नहीं है, तो वो हमारी कौन से रूल में आ जाएगी? अनौपचारिक संचार में आ जाएगी, अनौपचारिक संसार में शामिल होगी। तो इंटरव्यू हमारी कैसी प्रक्रिया है? अनौपचारिक संसार। वो किसी से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको कायदा काम करने का रूप क्या है। तो कोई भी बात जो उसके मुँह से निकली तो वो हमारा क्वेश्चन है, और वो जैसे ही हमारा क्वेश्चन बन के हमारे सामने आए तो उस चीज़ का हमें किसी न किसी प्रकार से आंसर देना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये अनौपचारिक संचार का एक हिस्सा है। दूसरा है हमारा दो या दो से अधिक व्यक्ति। क्या होता है? किसी भी प्रकार का व्यक्ति कोई भी इंटरव्यू देने जाता है तो अकेला किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं दे सकता। देखो इधर अकेला है नहीं है, कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, यहाँ एक भी हो सकता है। इधर इधर की क्वान्टिटी कम ज़्यादा हो सकती है, इस टाइप की क्वान्टिटी कैसी हो सकती है? कम या ज़्यादा हो सकती है। इधर तीन भी हो सकते हैं, इधर दो भी हो सकते हैं, इधर एक भी हो सकता है, लेकिन इधर की क्वान्टिटी क्या है? कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कोई भी अकेला व्यक्ति किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं कर सकता है। यहाँ क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा यह उद्देश्य पूरक होता है। उद्देश्य पूरक मतलब क्या होता है? कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी वह इंटरव्यू देने जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि कंपनी है ना, कंपनी का हमारा कुछ उद्देश्य तो होगा। हम जैसे आप कहीं ऐसे घूमने थोड़ी इंटरव्यू देने जाओगे, आपको लगेगा कि इस चीज़ में हमें काम करना है या जॉब चाहिए, इस कंपनी में हम जाएंगे, तो आपका भी कोई ना कोई उद्देश्य रहेगा, तभी तो आप उस कंपनी तक जाओगे, अपना इंटरव्यू उसको दोगे। तो ये उद्देश्य पूरा होता है जिसने किसी उद्देश्य से जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति की शैक्षिक जानकारी प्राप्त की जाती है। शैक्षिक जानकारी का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनकी शिक्षा मतलब क्या, उनकी क्वालिफिकेशन क्या, वो जिस काम के लिए आए हैं उनको उस प्रकार का काम आता है कि नहीं। तो इसमें सभी प्रकार की जानकारी, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी क्लास क्या है, वो जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है उतना उनके पास वो पावर है कि नहीं, तो सभी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो ये है हमारे विशेषताएं, और ये था हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू जो हमारी प्रोसेस है वो ये है, इसके बाद इसकी विशेषताएं। साथ ही हम आपको डे बाई डे बनाते हैं, तो आप लोग अपने डे बाई डे नोट्स भी तैयार करते जाइए, जिससे आपको एग्जाम टाइम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और आपने जो भी पेपर सिलेक्ट किए हैं उन पेपर की आप साथ में तैयारी करते जाइए, क्योंकि आपके जितने भी पेपर सिलेक्ट किए हैं आपने सभी पेपर आपके होने हैं कंपलसरी।